कार्यक्रम कक्षा पांचवी एफ की ओर से हाल ही में हुए एक शोध ने सभी को उत्तर दिया है कि बच्चे का भारी बोझ स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसमें कहा गया है कि भारी बच्चा उठाने वाले 7 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के 68% स्कूली बच्चे में फिर डर की शिकायत हो सकती है। स्कूल जाने वाले किसी भी छात्र के बच्चे का वजन उसके वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने बच्चों की बस्तों की बोझ को हल्का करने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी की है। हम भी कुछ बातों का ध्यान रखकर बस्ते के इस बोझ को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किन बातों का ध्यान रखकर अपने बस्ते के बोझ को कम करें। सबसे पहले अपने लिए सही बस्ते का चुनाव करें। जैसे बस्ते का आकार और वजन आपके अनुसार होना चाहिए। बस्ते का पट्टा मोटा होना चाहिए। बस्ता हल्के वजन का होना चाहिए। बस्ते को सही ढंग से लेना जैसे बस्ते को लिए समझौता नहीं लेना चाहिए। बस्ते के साथ आगे या पीछे की ओर नहीं देखना। बस्ते के पत्ते ज्यादा ढीले नहीं होने चाहिए। बस्ता चली तो 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बस्ते को कैसे पैक करें। जैसे भारी या बड़ी किताबों को पीछे की ओर रखें। बस्ते में पेंसिल बॉक्स की बजाय पाउच का इस्तेमाल करें। जिन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है उन्हें ना रखें। बस्ते में अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। और आखिरी और आवश्यक बात, बस्ते को समय तालिका के अनुसार आपको क्या होना चाहिए। सरकार ने बस्तों का वजन एक सीमा निर्धारित कर दी है। पहली और दूसरी कक्षा के लिए 1.5 किलो से ज्यादा नहीं। दूसरी और पांचवी कक्षा के लिए 2-3 किलो से ज्यादा नहीं। छठी और सातवीं कक्षा के लिए 4 किलो से ज्यादा नहीं। आठवीं और नवीं कक्षा के लिए 4.5 किलो से ज्यादा नहीं। 10वीं कक्षा के लिए 5 किलो से ज्यादा नहीं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर हमें अपने स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे असर को खत्म कर सकते हैं।